तो वो बाबर आजम को सामने रख के बात होनी पड़ेगी। इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो चपत रसीद हो रही है। उसके बाद बॉलिंग में जैसे ही क्रंच मोमेंट्स आया, इंग्लैंड फिर पाकिस्तान से आगे महारत ले गए और फील्डिंग फिर से बहुत ही नकारा थी पाकिस्तान की। दोस्तों, जिस पर रमीज़ राजा ने कहा कि अगर बाबर और रिजवान अपनी सेल्फिश को हटा के पाकिस्तानी टीम के लिए खेलेंगे तो तभी वो कामयाब हो सकेंगे, वरना वो पाकिस्तान को एक दिन लेके डूब जाएंगे, इस पे आप अपनी राय क्या देंगे और इसके बारे में आप लोगों अपनी राय के बारे में क्या कमेंट्स करेंगे? तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।